नमस्कार, मैं हूँ शेफ सुनील सिंह और आपके बीच लेके आया हूँ पनीर टिक्का मसाला। सो चलिए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लगान में ऑयल डालेंगे, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा खड़े मसाले। सो खड़े मसाले में जैसे कि बे लीफ, कर्डमम, सिनेमन, क्लोव, ये सारे डाले हमने। हल्का सा इनको भुनेंगे, उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे होल जीरा, उसको भी हल्का सा क्रैकल होने दें। उसके बाद सीधा ऐड कर लेंगे गाइस इसमें चॉप किया हुआ प्याज। सो प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड कर लेते हैं ताकि जो प्याज है वो जल्दी पक जाए। सो इसी गाइस, इस तरह से कलर इसका चेंज हो चुका है। नाउ स्टेट इसमें ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। सो जिंजर गार्लिक पेस्ट को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। तो इसी इस तरह से अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले, ड्राई मसाले जैसे कि टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ऑफकोर्स जीरा पाउडर, थोड़ा किचन किंग ऑप्शनल है, आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं। सो मसालों को जल्दी से भूनेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाए, और उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें चॉप टमाटो। तो दोस्तों, आप चाहिए तो टमाटो पहले भी डाल सकते हैं, उसके बाद मसाले डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो इस तरह से हम टमाटर को भी भून लेंगे जब तक ये पक ना जाए। इसी गाइस, इस तरह से मेल्ट हो चुके हैं हमारे टमाटर, भी गल चुके हैं। हमने इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर दिया था, फाड़ा हुआ ग्रीन चिल्ली। और जैसे ही मसाला ये भुना, उसके बाद हमने इसमें डायरेक्ट डाल दिया व्हाइट ग्रेवी। आप चाहिए तो इस स्टेज पे इसमें ऑफकोर्स काजू का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा देर भुनेंगे, इस तरह से ऑयल छोड़ने लग जाएगा गाइस। नाउ टाइम टू ऐड टमाटो ग्रेवी। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी टमाटो ग्रेवी का वीडियो बना के रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो गाइस, टमाटो ग्रेवी डालने के बाद इसको थोड़ी देर भूनेंगे, इस तरह से हल्का ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कटे हुए रोस्टेड पनीर टिक्के के पीसेस। सो पनीर टिक्के को हमने पहले सेक के रख दिया था तंदूर में, और इसको इस तरह से छोटे छोटे काट दिया था। तो बेसिकली हम यहाँ पे पार्टी के लिए बना रहे हैं गाइस, इसलिए काट रहे हैं। आप चाहिए तो डायरेक्ट रोस्ट करके बना सकते हैं। सो फाइनली इसको कर दिया हमने मिक्स। तो गाइस, डाल देते हैं इसमें बटर। सो पनीर टिक्का मसाला है तो गाइस बटर तो बनता ही है। तो साथ ही साथ डाल देंगे क्रीम। क्रीम आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सो थोड़ा डालेंगे इसमें गरम मसाला, ऊपर से स्प्रिंकल्स हम गरम मसाला भी कर दिया हमने, साथ ही साथ रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी। सो गाइस, कसूरी मेथी के बाद डालेंगे थोड़ा अदरक के लच्छे, और साथ ही साथ डेढ़ सारा हरा धनिया। तो गाइस, इस स्टेज पे हमें इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, यानी कि पकाना नहीं है, हल्का मिक्स करना है ताकि जो ये सारे मसाले हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। सो इसके बाद गैस कर लेते हैं बंद। नाउ टाइम टू सर्व। अब हम एक पोर्शन बाउल लेंगे और उसमें इस पनीर टिक्का मसाले को सर्व कर देंगे। ये यहाँ पे हमारे पास पोर्शन बाउल पड़ा हुआ है गाइस, यू सी। तो इस तरह से हम इसमें तकरीबन 3 से 4 पोर्शन पनीर टिक्का के आ जाते हैं, तो उसमें डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। सो इस तरह से ऑफकोर्स अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप एक टाइप का, ये फैमिली पैक पनीर टिक्का मसाला बन चुका है गाइस। यू सी कितना अच्छा इसका लुक आपको दिख रहा होगा गाइस। सो फाइनली कर देते इसको गार्निश विथ क्रीम, और साथ ही साथ थोड़ा अदरक के लच्छे, और ऑफकोर्स धनिया तो बनता ही है। तो गाइस, कैसी लगी आपको रेसिपी? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। सो गाइस, मैंने ये किसी की रिक्वेस्ट पे बनाई थी ये रेसिपी। किसी पर्सन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ पनीर टिक्का मसाला का रेसिपी शेयर कीजिए। सो सोचा क्यों ना शेयर कर दूँ आपसे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेफ सुनील सिंह, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।